रॉबर्ट वाड्रा आज फिर से ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी अभी तक उनसे करीब 15 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दो दिन की पूछताछ के बाद आज फिर प्रवर्तन निदेशालय सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करेगा। ईडी 6 और 7 फरवरी को भी वाड्रा से पूछताछ कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय रक्षा सौदों से मिले पैसे से कथित अवैध संपत्ति खरीद मामले में उनसे सवाल जवाब कर रही है। इसके अलावा 12 फरवरी को रॉबर्ट वाड्रा राजस्थान में जमीन घोटाले के मामले में जयपुर में ईडी के सामने पेश होंगे। सूत्रों के मुताबिक कुलायत इलाके में 275 बीघा जमीन खरीद के मामले से जुड़े 55 सवाल ईडी ने तैयार किए हैं। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है।